हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनल टेस्ट 2 को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। फाइनल टेस्ट 1 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए, आपकी जो फर्स्ट वीडियो है लास्ट रिविजन 1 करके होगा वीडियो आपका, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस उसके अंदर भी आपके इंक्लूडेड है, तो वो सारे के सारे आप वहां से देख सकते हैं, सारी चीजों को वहां से समझ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो वहां से भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप क्या कर सकते हैं कि हमें मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में आपका भाई ये लास्ट डे है आपका यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए, तो अच्छे से पढ़िएगा, सारी चीजें रिवाइज करके जाइएगा, कोई भी चीज आपकी यहाँ पर रह ना जाए। शॉर्टकट की और आपके जितने फुल फॉर्म्स हैं उन्हें आप अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में पहले सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें। वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, आप वहां पर इजिली बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, देन अपने आंसर्स को टेक करिएगा। क्लियर है? तो अगर आपको कोई आंसर्स को जो मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कोई आंसर आपको ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो उसके अप्रोक्स में अगर कोई आंसर आपको दिख रहा है तो आप उसे भी वहां क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। TFT एक्सपेंडेड एस, भाई TFT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपका कि क्या होता क्या है। तो याद रखिए TFT यानी कि आपका क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है आपका, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का ए वाला ऑप्शन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। भाई आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का फुल फॉर्म आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा जा रहा है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए, यानी कि आप बोल सकते हो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ऐसा आप समझ सकते हो। मैंने क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपका क्या होता है ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका कौन सा यहाँ पर सबसे बेटर है, तो बात करूंगी यहाँ पर किसके लिए, विंडोज आपका 95 जो है वो आपका यहाँ पर क्या है कि एकदम करेक्ट है। अभी लेटेस्ट में क्या है कि इसी जगह आपका जो क्वेश्चंस है वहां पर आपको क्या दे देते हैं, यहाँ पर 2000 दे देते हैं, यानी कि 2000 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन के अंदर विंडोज 2000 मिल रहा है तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? तो यस, आई होप क्लियर होंगी आपको। चलिए थोड़ा सा नॉइज वगैरह है क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है कि अभी जिस जगह का माहौल है उसी में आपका क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास को, तो थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, आप थोड़ा मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन। भाई ऐसा कौन सा विंडोज है जिसमें आपकी स्टार्ट बटन नहीं होती है, तो सिंपल है आपका जो विंडोज 8 होता है आपका, यानी कि विंडोज 8 आपका क्या है कि न्यू पैटर्न पे होता है और उसके अंदर आपकी क्या है स्टार्ट बटन जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं होती। क्लियर है? तो यहाँ पर विंडो 8 क्या है आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि थर्ड का ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, विंडोज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिलीट प्रोग्राम डिलीट फाइल्स परमानेंटली इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा क्या है, विंडोज है भाई, तो विंडोज के अंदर से अगर तुम्हें क्या करना है कि प्रोग्राम्स फाइल को परमानेंट डिलीट करना है कि भाई वो तुम्हारे घर में वापस ना आए, तुम्हें उसको क्या करना है कि बिल्कुल अपनी यादों से निकालना है, यानी कि विंडोज क्या करना चाहता है कि अपनी किसी फाइल को अपनी यादों से बिल्कुल डिलीट करना चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट के थ्रू आप किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो फोर्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ सीपीयू होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस इन। भाई जो आपका सीपीयू है, सीपीयू की फुल फॉर्म याद कर लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस से होल्ड करके रखता है, तो हमेशा याद रखिए कि आपका इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स के फॉर्म में आपका जो सीपीयू है वो सारे के सारे निर्देश को लेता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्ड आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। फिफ्थ का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो कमेंट करते रहिएगा, मैं यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी आपका कि जो भी आपका आंसर है इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, बस रिवाइज अच्छे से करिए, चीजें आप अच्छे से समझते हुए चलिए। क्लियर है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। भाई प्रोसेस क्या होता है टर्निंग ऑफ? कंप्यूटर खुला हुआ है आपका जो पीसी वगैरह, तो उसे क्या कर रहे हो कि आप स्विच ऑफ कर रहे हो या फिर टर्न ऑफ कर रहे हो, तो टर्न ऑफ का प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है इसे यहाँ पर तुम्हें देखना है। तो वो प्रोसेस होता है आपका शट डाउन। भाई शट डाउन ही तो करोगे तभी तो टर्न ऑफ होगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th है आपका। विच ऑफ दी फॉलोइंग कीज आर यूज्ड टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट। तो भाई इसको तो तुम हजार बार पढ़ चुके हो कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन का यूज करना है। और कंट्रोल प्लस ओ याद कर लेना भाई, जो पहले से फाइल आपकी होती है अगर उसे ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज करोगे, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, और पेस्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस वी का यूज करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7th का ए। क्वेश्चन नंबर 9th है, इन ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी स्प्रेडशीट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एप्लीकेशन। भाई स्प्रेडशीट जो है वो किसके थ्रू आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, किस एप्लीकेशन के थ्रू? तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर आपका सी एल यानी कि जो अपाचे होता है आपका, अपाचे स्प्रेडशीट के लिए अपाचे सी एल सी है जो उस यहाँ पर एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं। तो सीधा आपको अपाचे तो लिखना ही रखा है इन्होंने, बड़े चलाक लोग हैं ये लोग। यहाँ पर क्या दे रखा है, सी एस एल सी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8th का ए वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th देखो क्या कह रहा है, हाउ विल यू कैप्चर एन एक्टिव विंडो। भाई जिस विंडो पे तुम काम करो, सपोज मेरी ये वाली स्क्रीन आपकी खुली हुई है और इसी स्क्रीन का मुझे क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, तो भाई स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर उसको क्या करना है, मुझे कैप्चर करना है अपनी यादों में, तो भाई उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन वाली जो आपकी होती है यानी कि स्क्रीनशॉट लेने वाली जो आपकी बटन होती उसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। तो सिंपल भी आप कर सकते हो, नहीं तो एल्ट के साथ भी आप उसे प्रेस कर सकते हो। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, 9th का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, एडिंग अ प्रोग्राम टू द टास्क बार इज रेफर्ड एज। भाई अगर टास्क बार के ऊपर क्या करना है कि तुम्हें कोई प्रोग्राम को ऐड करवाना है अपने टास्क बार के ऊपर, तो भाई वो प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाएगा, सिंपल है भाई, पिन करना। कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर क्या बार बार पिन अप करो तो वो भड़क जाती, तो सेम वही है कि अगर किसी चीज को हम बार बार पिन करेंगे तो कहेगा भाई सीधा उठा के टास्क बार में रख लो मुझे, तो दैट्स कॉल अ पिनिंग। दैट्स द प्रोसेस व्हाई विच बी एडिंग अ प्रोग्राम टू द टास्क बार इज कॉल्ड द पिनिंग। क्लियर है? तो 10th का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th देखेंगे, व्हाट इज द लोगो यूज्ड फॉर लिनक्स। देखो लिनक्स के अंदर जो लोगो यूज होता है वो आपका कैसा होता है कि एक पेंगुइन्स की तरह बना होता है, यानी कि उसे आप बोलते हो टक्स। तो टक्स आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, याद रखना है डेबियन नहीं है आपका, टक्स जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 11th का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12th देखिए, पूछा क्या जा रहा है कि टू बी एबल टू चेंज द डायरेक्टरी यू नीड। भाई अगर तुम किसी डायरेक्टली के अंदर चेंज कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर किस चीज की जरूरत होगी, किस चीज के थ्रू तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो कि यहाँ पर चीजों को यहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हो। तो सिंपल बात है भाई, अगर हमें किसी चीज के अंदर चेंजमेंट करनी है, किसी के घर के लॉक तोड़ना है, सॉरी तोड़ना नहीं है, लॉक अगर खोलना है, तो भाई हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मीन्स हमें उसकी क्या चाहिए, अनुमति चाहिए। और अनुमति यहाँ पर निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन हमें यहाँ पर चाहिए। तो 12th का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12th का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट परमिशन। क्लियर है? 12th का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 13 देखेंगे, डेटा ट्रांसफर रेट फॉर लैन। देखो लैन का फुल फॉर्म मैंने याद करवाया तुम्हें, अच्छी तरह से याद होगा तुम्हें, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और डेटा ट्रांसफर की जो रेट होती है वो क्या होती है आपकी, 1 से 100 Mbps होती है। ठीक है, Mbps आपकी यहाँ पर क्या है कि आपकी स्पीड होती है 1 से लेके 100, याद रखना 1 से लेके 100 तक आपकी क्या होती है कि स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इट इज द फीचर टू रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। भाई किसी टेक्स्ट और क्या कर रहे हो कि ग्राफिक्स को अगर डिलीट करना चाहते हो कहाँ से, कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर से, तो सिंपल है भाई, कट भी कर सकते हो उसे, डिलीट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, यानी कि ये सारे के सारे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो मीन्स ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इज द शॉर्टकट की फॉर कट ऑपरेशंस।
कट ऑपरेशंस के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो कट करना है, यानी कि उस चीज को मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पर कुछ ये बॉक्स रखा हुआ है और इसे मुझे क्या करना है, यहाँ से हटा के दूसरी जगह मूव करना है। तो सिंपल है भाई, कट करोगे, कट के लिए आपके पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपका। SQL stand for, भाई SQL stand for यानी कि structure query language होता है आपका। तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, 16 का A वाला option आपका correct होगा, structured query language, clear है, structured query language आपका यहाँ पर correct answer होगा। Question number 17 देखिए, using chart wizard you can quickly and easily turn your, भाई अगर तुम chart wizard का use कर रहे हो, यानी कि हम chart का use कर रहे हैं, तो भाई क्यों use कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हम अपने डेटा को चार्ट्स के अंदर इंक्लूड कराना चाहते हैं। नहीं पता तो पता कर लो कि भाई जितना भी डेटा होता है उसको हमें क्या करना है कि अपने चार्ट्स के अंदर इंक्लूड करवाना है, यानी कि डेटा इनटू चार्ट्स, यानी 17 का आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डेटा इनटू चार्ट्स। ठीक है, DBMS कल वाले फाइनल टेस्ट के अंदर भी हमने इसे डिस्कस किया था कि भाई DBMS क्या होता है आपका, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, टू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन, भाई न्यू प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो, न्यू कपड़े खरीदने जा रहे हो, From already saved presentation select, देखो यार क्या कर दिया, मम्मी ने कहा हम तो न्यू लेने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कहने लगी जो सेव है ना पहले से तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उन्हीं को क्या करा लो, चरक वरक करवा लो। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई हमारा तो काम खराब हो गया, कि जो भी हमारे पास सेव प्रेजेंटेशन थी, यानी कि पहले से जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है आपकी, उसी में हम क्या कर रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं दूसरी वाली, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि भाई वो प्रेजेंटेशन आपकी क्या कहलाएगी, यानी कि एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन, एग्जिस्ट कर रही है एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा कि वो फाइल आपकी पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि मौजूदा फाइल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है कि उसी में हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं। तो 19 का आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। 20 देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, भाई कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहाँ पर क्या करता है, करने की हमें परमिशन देता है या फिर हम उसका यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि भाई अगर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जैसे 2 + 3, तो इन्हें ही तो ऐड कर पाओगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 20 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ फील्ड दैट हैव ओनली टू वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, तो देखो ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैंने क्या बताया था कि या तो वैल्यू यस या फिर आपका क्या होगा नो, तो यहाँ पर देखो यस नो सिर्फ आपको ए वाले ऑप्शंस के अंदर दिख रहा है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में भी यही टेक्निक्स आपको अपनानी है कि जो क्वेश्चंस लेंदी है उन्हें आप चाहे तो बाद में करें या फिर उन्हें थोड़ा सा टाइम, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या है कि साइड में दिख रहे होंगे, जिसपे भी आपको नहीं आता तो आप सेकेंड वाले पे क्लिक कर सकते हो, या हो सकता है कि आपको एक पेज पे ही 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से आप आराम से करिएगा, डरिएगा मत, कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेपर ही है, एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप आराम से थोड़ा टाइम बचा के रखिएगा ताकि चीजों को बाद में समझ के कर सकें, जो आते हैं उन्हें फटाफट से करिएगा। क्लियर है? माइनस मार्किंग नहीं है तो कोशिश करिए कि 100 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर पाए आप, छोड़िएगा कुछ भी नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड एवरीवेयर इन योर कोड, भाई एक ऐसा तुम्हारा वेरिएबल पूछा गया है, जावास्क्रिप्ट से बेसिकली क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर कि ऐसा एक वेरिएबल बताओ जो कोड में कहीं भी तुम्हारा क्या डिफाइन किया जा सकता। तो हमारे पास क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम अपने कोड में कहीं भी घुमा फिरा सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है तुम्हारा, करेक्ट आंसर है 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एट्रीब्यूट शुड बी, भाई जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को लिख रहे हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करते हो तो वहां पर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और वो एट्रीब्यूट तुम्हारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। याद रखना एट्रीब्यूट एलिमेंट्स में बहुत अंतर होता है आपका, कि भाई एट्रीब्यूट है आपका या फिर आपके टैग है,
तो ये सारी चीजें आपकी अलग अलग है, बेसिकली एट्रीब्यूट की बात की गई है। तो आपका क्या है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है। तो 23 का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप अर्ली, यानी कि अगर किसी लूप से, लूप क्या मतलब फॉर लूप है आपका, डू व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप है, ये सारे आपके लूप्स होते हैं। तो लूप से अगर आपको एग्जिट करना है तो उसके लिए आप क्या ले लोगे, ब्रेक। भाई ब्रेक ले लो और उससे क्या हो जाओगे, आप एग्जिट हो जाओगे, यानी कि आपने क्या है कि लूप को एग्जिट कर दिया। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर डेटा टाइप, भाई कौन सा एक इंटीजर डेटा टाइप आपका यहाँ पर नहीं है। तो सिंगल, सिंगल क्या करता है, आपकी फ्लोट वैल्यूज को कंटेन करता है, इसलिए ये क्या है आपकी इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। बाकी बाइट, शॉर्ट और इंटीजर, ये सारे के सारे आपके इंटीजर के डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप आप बोल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंगल। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं है यहाँ पर, 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट एसेट, मिसप्रिंट हो गया होगा आपका, तो 26 हम बाद में देख लेंगे या फिर छूट गया होगा। देखिए 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट एसेट्स, बाय टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस है, टैली से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये, पूछा क्या जा रहा है कि भाई करेंट एसेट्स बताओ कि करेंट एसेट्स आपकी यहाँ पर क्या है। तो देखो कैश रिसीवेबल यानी कि किसी से ले रहे हो, इन्वेंट्रीज, ये सारी की सारी आपकी क्या एसेट्स ही तो है भाई, एक संपत्ति ही तो है आपकी। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा, 27 का डी। 28 देखिए, इन डबल एंट्री इनकम इज ऑलवेज, भाई डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो इनकम होती वो आपकी क्या होती, तो भाई इनकम आपकी क्या होती, क्रेडिट, यानी कि जो आपकी जमा पूंजी, ठीक है, इनकम आपकी वही कहलाती है, क्रेडिटेड होती है आपकी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 28 का ए। 29 देखिए, विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, भाई कौन कौन सी ऐसी पार्टीज है जो इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग्स के लिए क्या है आपकी यहाँ पर एलिजिबल है या फिर इन्वॉल्व है। तो भाई बिलर्स हो तो भी है, बैंकर्स भी हो तो भी देना पड़ेगा, या फिर क्या है कौन सी डिलीजेंट्स भी हो तो भी आपको ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स बिल तो सभी को भाई पे करने होते हैं। तो ये क्या है आपका, ऑल ऑफ दीज जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, भाई एटीएम, पैसा तो बहुत होगा और पैसा निकालने के लिए क्या करते हो भाई, पैसे नहीं रुपए, रुपए तो होंगे और रुपए निकालने के लिए क्या करते हो कि भाई एटीएम जाते हो। तो एटीएम का फुल फॉर्म तो पता कर लो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो भाई एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। 30 का ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, क्लियर है। 31 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स इन फॉर्म, देखो कितना अच्छा, कितनी सारी चीजें तो तुम्हें बता के जा रहा है क्वेश्चन कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क्स के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं आपके, लैंड वैनमैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। भाई ये काम क्या करते हैं, किस चीज के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं, तो याद रखो ये सारे के सारे हमारे किस लिए, ट्रांजेक्शन्स, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रांसमिट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ई कॉमर्स पे भी आप इसका यूज करते हो, किस तरह से करते हो डिटेल्स में बाद में बता दूंगी, लेकिन क्या कि भाई ई कॉमर्स कर रहे हो तो वहां पर भी तो एक नेटवर्क ही है पूरा, जो आपकी जितनी भी हैंडल्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है उन्हें हैंडल कर रहा है। तो भाई नेटवर्क के थ्रू भाई सिस्टम आदमी तो सुनना लेंगे सिर्फ, तो क्या करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क एक जुड़ा हुआ है जिसके थ्रू सारी की सारी आपकी क्वेरीज क्या होती हैं भाई, वो सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे शॉपिंग तो बहुत की होगी, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल चला था आपका, तो ट्रांजेक्शन ऑफ ई कॉमर्स भी आपका क्या है, कहीं ना कहीं ये सारे आपके यूज में आते हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर ऑनलाइन डेटा स्टोरेज थ्रू द इंटरनेट कॉल्ड, भाई अगर तुम क्या कर रहे हो कि अपना जो भी डेटा है, जो भी डेटा, जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो भाई हम अपने क्या करते हैं, घर में नहीं रखते, उसको कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ताकि हम कभी भी हमें जरूरत हो तो वहां से उसे निकाल ले। तो सेम वही क्या है कि हमारे पास अगर डेटा स्टोरेज है ज्यादा तो हम अपने पीसी में क्यों रखेंगे, क्या पता वो कभी खराब हो जाए। भाई हम जीमेल, जो आपका गूगल ड्राइव है, ये सारे क्या है आपके क्लाउड कंप्यूटर्स है, क्लाउड कंप्यूटर यानी कि क्लाउड स्टोरेज, जहां से हम ऑनलाइन डेटा स्टोर कर देते हैं और जब हमें नीड होती है तो वहां से उठा लेते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मॉनिटर्स, प्रिंटर, प्लॉटर्स आर क्लासिफाइड अंडर, तो भाई वीडियो यानी कि क्या हो जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, किस चीज के अंडर आते हैं, तो आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर,
क्लियर है यहाँ पर आउटपुट यूनिट है आपके। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ईपी रोम स्टैंड फॉर, भाई ईपी रोम, ईपीपी रोम, पी रोम और पीपी रोम, ये सारे आप फुल फॉर्म से याद कर लीजिएगा भाई। अगर मैं एक करवा रही हूँ तो ये आपकी ड्यूटीज है कि आप उससे रिलेटेड यहाँ पर जितने भी बनते हैं वो आप रीड करके जाए। तो देखिए ईपी रोम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर। 34 का आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। लास्ट क्लास में कल हमने एक यूनिवैक पढ़ा था भाई, यूनिवैक में आपका क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, वो मिसप्रिंट हो गया था आपका ए वाला ऑप्शन, तो उसे आप सही कर लेना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्लियर है। तो अभी फिलहाल के लिए ईपी रोम है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 35 देखो, एमएस डॉस, कल की क्लास में भी करवाया मैंने क्वेश्चन कि एमएस डॉस आपका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बड़ी खूबसूरती से ए वाला ऑप्शन आप क्या करोगे, टिक करोगे अगर आता है एग्जाम में तो। ऑप्शन देख लेना भाई, ए ही नहीं हो सकता आपका, कि ए ही लगा के चले आओ, मैम ने बोला था, ठीक है। 36 देखो, रोम स्टैंड फॉर, रोम क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि रीड ओनली मेमोरी क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना भाई, फुल फॉर्म्स में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, टाइम आपको देना है किसमें, मैथ में देना है। जो क्वेश्चंस लेंदी हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उन्हें टाइम दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच कमांड्स डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, भाई कौन सी जो कमांड्स है या फिर फाइल्स आप बोल सकते हो कि ऐसा कौन सा कमांड है जो सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को क्या करता है, शो करता है। तो भाई DIR जो होता है, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो सारी की सारी जितनी भी फाइल्स को अगर आपने शो करवाना है तो DIR के थ्रू आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, उस कमांड, ऐसा कमांड है जो सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को आपका क्या करता है, स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिनक्स कमांड क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी, कल बताया था मैंने कौन सा कमांड है भाई, DIR, यानी कि MKDIR के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू डायरेक्टरी को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 देखिए, लिनक्स कमांड चेंज द एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल, कौन सा ऐसा कमांड है जो क्या करता है, एक्सेस मोड, फाइल के एक्सेस मोड को चेंज करता है। तो CH मोड जो होता है, यानी कि चेंज मोड, चेंज मोड क्या करता है कि आपके जो भी एक्सेस मोड है उन्हें यहाँ पर चेंज कर देता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, 39 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इन एमएस ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ स्प्रेडशीट, भाई ऑफिस के अंदर जो आप एमएस ऑफिस यूज करते हो, अगर स्प्रेडशीट बताइए किसे बताया मैंने यहाँ पर, आंसर्स कोई गलत नहीं करेगा, सही आंसर बताइएगा कि भाई 40 वाला जो है स्प्रेडशीट मैंने किसे बताया, फटाफट से आंसर्स कर दीजिएगा कि यहाँ पर 40 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लियर है। तो देखो बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कि जो स्प्रेडशीट होता है आपका, उसे आप क्या बोलते हो यहाँ पर, एमएस एक्सेल बोलते हो, कि भाई स्प्रेडशीट पे हम काम कर रहे हैं। अगर एमएस एक्सेल की बात की जाए तो डेटाबेस बोल सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो आपका एमएस वर्ड होता है, और प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपका एमएस पावर पॉइंट। फिलहाल के लिए स्प्रेडशीट पूछा है आपसे तो 40 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, टू सेलेक्ट प्रिंट आइटम इन एमएस ऑफिस मेन्यू, भाई प्रिंट आइटम क्या करना है, प्रिंट करवाना है तुम्हें, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। बेसिकली हमें एक पता है कि Ctrl+P, लेकिन अगर आपको क्या है, पेज जो आपका प्रिंट पेज है उसे ओपन करना है, तो आप यहाँ पर Alt+F+P भी आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका प्रिंट पेज जो है वो भी ओपन हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन बोथ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 41 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन एमएस वर्ड जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ में बी एक्सीडेड यूजिंग द शॉर्टकट की, भाई जस्टिफाई के लिए पूछा गया, मैंने बताया था जस्टिफाई अगर करना है तो जे आपका जस्टिफाई हो जाता है, और Ctrl+J देख लीजिए कि कहाँ है, तो ए वाले ऑप्शन के अंदर है आपका, तो 42 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, इन एमएस वर्ड सेलेक्टिंग पेज साइज मार्जिन एंड पेपर ओरिएंटेशन इज पॉसिबल थ्रू, भाई ये सारी की सारी चीजें तुम कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से तुम इन सारी चीजों को देख सकते हो। तो देखो कहाँ से देखोगे, जब भैया पेज सेटअप करने जाओगे तब, किस चीज के लिए कहाँ से पहुंचोगे, पेज लेआउट पे जाना, पेज सेटअप पे पहुंच जाना, वहां से इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो चेक, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा 43 का ए।
44 देखो, इन एमएस वर्ड चूजिंग नंबर ऑफ कॉलम्स पर पेज इज पॉसिबल। भाई अगर तुम क्या करो, एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है कि जो कॉलम्स है तुम्हारे पर पेज के लिए, जो अगर तुम्हें क्या करना है कि कॉलम्स के लिए चूज करना है नंबर को, तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, तो पेज लेआउट पे जाना और कॉलम का क्या करना है, यूज करना। ठीक है, कॉलम पे क्लिक करते ही आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी कि आपका क्या है, जो भी आप नंबर चूज करना चाहते हो कॉलम पर पेज के लिए। 45 देखेंगे, रिफर्स टू कलेक्शन स्टोरेज मैनिपुलेशन रिपोर्टिंग एंड मीनिंग ऑफ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। बाई रिफर्स टू द कलेक्शन, कलेक्शन यानी कि डेटा स्टोर कर रहे हो, स्टोरेज मतलब आपका एक ऐसा स्टोरेज जहां पर आप डेटा को रख रहे हो, मैनिपुलेशन मीन्स यानी कि जितनी भी आप चेंजमेंट्स वगैरह कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो कि भाई ये डेटा तैयार है, माइनिंग का मीन्स आपका हो जाता है कि डेटा के अंदर क्या है, छटनी पिटनी करना, मीन्स आपका क्या जो डेटा सही है उसे रखो, जो नहीं है उसे हटा दो, डेटा माइनिंग आपका। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी किसके अंदर होती, भाई एक ही तो हमारी क्या है कि जो हमारे साथ दे सकता है वो है डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्राइमरी बूट प्रोसेस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड। भाई प्राइमरी बूट प्रोसेस का मींस क्या होता है कि जब आप प्राथमिक बूट प्रोसेस बोल सकते हो या फिर आप फर्स्टली बूट प्रोसेस भी बोल सकते हो, तो सबसे पहले जो बूटिंग होती है उसका काम क्या होता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर लोड करना। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें क्वेश्चंस, अगर आपको यूजफुल लग रहा हो तो भाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे यहाँ पर कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, अगर न्यू है तो बिल्कुल जुड़ जाइए, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी। जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इजली यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। कोई डाउट होता है तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप है ही आपका, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप दोनों तरीके से मुझसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 47 देख लेते हैं, ओरिकल सैप हाना माई एसक्यूएल एसक्यूएलाइट। भाई ये पॉपुलर टूल्स हैं, किस चीज के टूल्स हैं, तो हमने तो भाई एसक्यूएल अपना डेटाबेस के अंदर पढ़ा है तो हम तो उसी को आंसर टेक करेंगे कि जब हमें आंसर्स के अंदर दिख रहा है कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 47 का ए वाला ऑप्शन। सीमोस, भाई सीमोस बताओ कल करवाया था या परसों वाली क्लास में करवाया है कि जो सीमोस है वो आपका यहाँ पर फुल फॉर्म। तो देखो सीमोस के लिए तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, करवा चुकी हूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। साथ में ये है क्या, तो देखो सीमोस एज अ बैटरी होती है और आप बोल सकते हो एज अ चिप भी होती है, तो भाई चिप क्या है कि वो रैम फॉर्म में होती है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका रैम जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रैम का फुल फॉर्म आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा वाला। तो यहाँ पर बोल सकते हो न्यू प्रेजेंटेशन, देखो मैंने बताया है कि अगर न्यू स्लाइड तुम्हें ऐड करनी तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करो, लेकिन न्यू प्रेजेंटेशन अगर ऐड करनी है तो यहाँ पर क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे तुम यहाँ पर, कंट्रोल प्लस एन का। क्लियर है, कंट्रोल प्लस एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, दिया है इन पावर पॉइंट ड्राइंग फॉर यूज इन द प्रेजेंटेशन में बी क्रिएटेड। भाई पावर पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, हम पावर पॉइंट पे कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हो, पावर पॉइंट पे हम कर रहे हैं काम, और तुम्हें क्या बताना है कि भाई एक यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है कि अगर तुम्हें अपनी पावर पॉइंट के अंदर क्या करनी है ड्राइंग, तो तुम यहाँ पर क्या यूज करोगे ड्राइंग के लिए। भाई बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, तो हमेशा याद रखो ड्राइंग अगर तुम्हें करनी तो तुम जाओगे कहाँ पर, अपने होम वाले ऑप्शंस के अंदर, वहां से क्या करोगे ड्राइंग्स को चूज कर लोगे, जो भी लेपा जो भी तुम्हें करना है लीपा पोती उसे कर लेना, लीपा पोती रहे, अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाओ तभी लोग अट्रेक्टिव होंगे। ठीक है, तो वहां पर आप ड्राइंग उसे कर सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। भाई एमएस धोनी जो अपना फेवरेट प्लेयर है उसने क्या किया है, यहाँ पर 50 रन कंप्लीट कर लिए, 51 की हमें पारी खेलनी। ठीक है, यानी कि 100 रन बनाने हैं अभी, तो हमारे पास 50 रन अभी और रह जाते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलो 51 बताओ, कैन फिक्स सो मैनी प्रॉब्लम। भाई अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है तो तुम क्या करते हो कि भाई सबसे अच्छा अगर तुम टेंशन में हो तो सो जाओ एक दो घंटे, तुम क्या होगा कि थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, सारी प्रॉब्लम्स ऐसा लगेगा सॉल्व हो चुकी है।
सबसे अच्छा है कि भाई अपने दिमाग को थोड़ा सा रीबूट कर लो। रीबूट के लिए तुम्हें क्या चाहिए कि भाई स्लीप चाहिए यानी कि नींद चाहिए। तो सेम वही है कंप्यूटर के साथ, अगर मैनी प्रॉब्लम से भाई छुटकारा पाना है, थोड़ा सा वो रिलैक्स करना चाहता है, तो वो आपका कहलाता है रीबूटिंग। यानी कि 51 का क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, व्हेन विंडोज लोड ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इज टू बी चूजन फर्स्ट। भाई अगर कोई चीज लोड कर रहे हो यानी कि कोई इंस्टॉलेशन अगर आप कर रहे हो, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह का कीबोर्ड लेआउट लेना चाहते हो और कौन सी लैंग्वेज पे आप वर्क करना चाहते हो। यानी कि आंसर्स आपको दोनों दिख रहे हैं सी वाले में, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, 50 क्वेश्चंस क्या था, 49। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, कमांड्स डिस्प्ले वॉल्यूम लेवल ऑफ गिवन ड्राइव। भाई कमांड डिस्प्ले करना है किसके लिए, वॉल्यूम लेवल के लिए। तो वॉल्यूम लेवल के लिए आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम है यानी कि वीओ एल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो वीओ एल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वीओ एल डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एमएस डॉस कमांड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से टू फाइल्स कंपेयर करने के लिए और रिपोर्ट एनी डिफरेंसेस। भाई टू फाइल्स को कंपेयर करता है, किसी भी डिफरेंस की क्या करता है, रिपोर्ट को यहाँ पर फाइंड आउट कराता है। तो भाई आपके पास एक कमांड है और वो कमांड आपका क्या है, यहाँ पर सीओएमपी, यानी कि कंपेयर्स और डिफरेंस आपको यहीं पर मिल रहा है। तो आपका सीओएमपी जो है वो आपका यहाँ पर कमांड है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इज अ शॉर्टकट की टू क्रिएट एनवेलप्स यूजिंग मेलिंग मेन्यू इन एमएस वर्ड। भाई शॉर्टकट की पूछी जा रही है किसके लिए, क्रिएट एनवेलप्स को क्रिएट करने के लिए। और जब भी यहाँ पर बात की जाए किसके लिए एनवेलप्स को क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है यहाँ पर एल्ट प्लस एम प्लस ई। ये आपकी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एनवेलप्स क्रिएट कर सकते हो जब आप क्या कर रहे हो, मेल मर्ज को यहाँ पर यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई इन एमएस एक्सेल के अंदर आपका क्या है, द कॉमन टाइप ऑफ डेटा एप्लीकेबल टू एनी सेल इज कॉल्ड। भाई एक ऐसा डेटा जो हर सेल्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, यानी कि हर सेल्स पे हम उसे सामान्य तरीके से यूज कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास एक ही बहादुर बच्चा है, वो है टेक्स्ट, जिसको हम सारी सेल्स के लिए क्या है यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर टेक्स्ट। एक सेकेंड, इसे चेक करेंगे हम यहाँ पर एक बार। ओके, तो 57 के लिए, 56 के लिए आपका यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर जनरल है। जनरल जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे सही कर लो, थोड़ा सा टेक्स्ट नहीं होगा भाई, टेक्स्ट आप हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। जनरल जो है वो आपका यहाँ पर है करेक्ट आंसर। 56 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 56 का ए जनरल। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, द फॉर्मूला इक्वल A5 इंटू 5 इज रिटेन इन सिस्टम। भाई A5 इंटू 5 है आपका किस सिस्टम में लिखा जा रहा है, तो भाई ये आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव सिस्टम। क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, रिलेटिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द कमांड्स टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन इज। भाई इन्वोक बोला गया है कि एक ऐसा यहाँ पर कमांड्स बताओ जो क्या करता है कि कमांड लाइन के थ्रू। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया कि अगर आपको सीएमडी के थ्रू करना है, विंडोज आर वाला जो बताया था आपको कि अगर पावर पॉइंट इन्वोक करवाना है यानी कि पावर पॉइंट को ओपन करना है, तो हमारे पास क्या होता है कि पावर पीएनटी जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर। यानी कि ये कमांड जैसे ही आप लिखते हो तो आपका पावर पीएनटी जो है यानी कि पावर पॉइंट आपका वो ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, TIFF इज मोर सुटेबल फॉर देन द डिजिटल फोटोग्राफी। भाई TIFF जो है वो आपका डिजिटल फोटोग्राफी की तुलना में क्या है, क्या चीजें मतलब आपको यहाँ पर क्या करता है कि सुटेबल है किस चीज के लिए आपका, तो भाई डिजिटल प्रिंटिंग के लिए। डिजिटल प्रिंटिंग यानी डिजिटल फोटोग्राफी अब आजकल आप करते हो तो क्या है कि डिजिटल प्रिंटिंग आपको वहां पर उसकी सुविधा मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 59 का ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, इन अ वेल डिफाइंड डेटाबेस नेम ऑफ डेटाबेस टेबल एंड कॉलम्स कंटेन स्पेसेस। भाई इन अ वेल डिफाइंड, अगर आप एक अच्छी तरीके से डेटाबेस को तैयार कर रहे हो, तो
तो उनमें क्या नेम ऑफ डेटाबेस टेबल एंड कॉलम्स के अंदर भाई कंटेन स्पेस कैसी कंटेन स्पेस रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, या फिर रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। तो देखो जब भी आप डेटाबेस तैयार कर रहे हो तो आपका क्या है टेबल्स कॉलम के बीच में आपको क्या है शुड नॉट नहीं करनी चाहिए भाई स्पेस। जैसे हम लिखते हैं नेम ऑफ डेटाबेस तो आप ज्यादा स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते हो अगर आपको अच्छी तरह से किसी डेटाबेस को डिफाइन करना है, ठीक है? तो डू नॉट सॉरी शुड नॉट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 के लिए आपका क्या है न्यू डेटाबेस क्रिएटेड इन एमएस एक्सेस हैज गॉट अ डिफॉल्ट टेबल नेम। एमएस एक्सेस के अंदर अगर आपको क्या करना है कि डिफॉल्ट टेबल नेम जो है वो अगर आपको मिल रही है तो भाई उसका नाम आपका क्या होता है। तो देखो मैंने बताया था टेबल वन, टेबल वन जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफॉल्ट नेम हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, डिफॉल्ट नेम के लिए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है, द क्लाइंट ऑफ अ वेब सर्वर यूज फॉर डिस्प्ले द पेज। भाई क्लाइंट को अगर वेब सर्वर कोई चीज अगर डिस्प्ले करा रहा है क्लाइंट को तो वो वहां पर कहां पर आपका क्या है डिस्प्ले करा सकता है। तो भाई हमें तो वेब ब्राउजर जैसे आपका गूगल है, ओपेरा है, मैक के लिए आपका सफारी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें कहां मिलती है भाई, अगर हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम गूगल पे ही करते हैं तो वो आपका वेब ब्राउजर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 62 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पोर्ट नंबर इज रिजर्व्ड फॉर टेलीनेट प्रोटोकॉल। देखो पोर्ट नंबर याद कर लेना, बेसिकली सबसे ज्यादा HTTP का पूछा जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि आपका 80 पोर्ट नंबर है, और भी पोर्ट्स नंबर मैंने करवा रखे हैं उन्हें तुम याद कर लेना, भूलना नहीं भाई पोर्ट्स नंबर बहुत जरूरी है कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेलीनेट के लिए पूछा गया, टेलीनेट के लिए हमारे पास फिक्स होता है आपका 23 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है? 63 का 23 वाला आपका करेक्ट आंसर। 64 देखिए, जावास्क्रिप्ट एंड वीबी स्क्रिप्ट आर द एग्जांपल ऑफ। भाई किस चीज के एग्जांपल है हमारे पास ऑफ बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब पूछा जाए कि भाई किस बेस पे आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो मैंने आपको बताया था कि या तो आपको क्या बोल सकते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर ब्राउजर। तो आपको ब्राउजर दिख रहा है तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 64 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 64 का ए ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 65 देखिए, इज द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप टू हैंडल अनडिफाइंड डेटा टाइप। भाई कौन सा ऐसा यहाँ पर आपका क्या है डेटा टाइप है जो क्या करता है अनडिफाइंड डेटा टाइप को यहाँ पर क्या कर रहा है स्टोर करने की कोशिश कर रहा है या उसको लेके चल रहा है। तो अनडिफाइंड डेटा के लिए आपका क्या है डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग भी आप बोल सकते हो उसे, कि भाई नंबर के लिए तो आपका डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है आपका, ये भी डिफाइंड। तो अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित डेटा टाइप अगर पूछा जा रहा है आपसे तो आपका क्या है स्ट्रिंग जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? 65 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर डाउट होता है आपको या कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत लग रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा भाई, मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती हैं और आपसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज के लिए कंफर्म ही हूँ। मेरा भी जो मतलब आंसर्स मुझे लगते हैं कि हाँ ये करेक्ट होंगे मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे एक बार जरूर कंसल्ट करें कि मैम इसका आंसर एक बार आप रीचेक करें, बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमें आती ही। 66 देखिए, फंक्शन बिगिंस विद कीवर्ड। भाई अगर कोई फंक्शन हम यूज करते हैं, देखो जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने फंक्शंस पढ़ाया भी था तुम्हें कि जैसे अगर फंक्शंस यूज करो तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, भाई फंक्शंस के अंदर से स्टार्ट होगा आपका और अगर खत्म होता है तो आपका एंड फंक्शन यूज करते हैं हम। तो बिगिंस विद आपका क्या है फंक्शन कीवर्ड के साथ, क्लियर है? 66 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 67 देखिए, अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ब्रिटिश भैया याद आए कि नहीं याद आए? बिल्कुल याद आ गए होंगे, ब्रिटिश भैया के तीन भाई पर्सनल रियल नॉमिनल। तो भाई डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये हमने किस रूल में पढ़ा है आपका, हमने पढ़ा है पर्सनल में कि जो रिसीवर है वो डेबिट से है और जो गिवर है वो तुम्हारा क्या है क्रेडिट है। रियल्स में हम क्या पढ़ते हैं भाई गोज इन एंड कम इन, और आपका नॉमिनल में आप क्या पढ़ते हो कि आपका एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये डिफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं पढ़ा तो टैली वाली आप वीडियोस हैं और PDF है बेसिकली आपके पास, तो सारी PDF आप वहां से रीड करिए। अगर समझना चाहते हैं तो 2x स्पीड पे चला के आप वीडियोस देखिए। 68 देखिए, प्राइमरी बूट प्रोसेस इज कॉल्ड। क्वेश्चंस रिपीटेड हो गया आपका लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे आपका क्या था लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 68 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। 69 देखिए, इन एमएस ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेटर्स। भाई अगर आपको लेटर्स लिखने हैं, पत्र लिखने हैं, तो उसके लिए तुम यहाँ
पर किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? तो भैया हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं अपने पत्र लिखने के लिए, ठीक है, एमएस वर्ड का। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इज अ शॉर्टकट की फॉर पेस्ट ऑपरेशन। पेस्ट के लिए तुम्हारी कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो? तो कंट्रोल प्लस वी का यूज करोगे, किसके लिए? पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 इज द नेम फॉर ऑनलाइन डेप्रिशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑनलाइन डेप्रिशिएशन का मींस क्या है कि जो भी हमें ऑनलाइन, सॉरी डिस्क्रिप्शन है, नॉट अ डेप्रिशिएशन, इट्स अ डिस्क्रिप्शन, कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो आपका किसके थ्रू मिलता है? तो भाई ऑनलाइन कैटलॉग, यानी कि ऑनलाइन कैटलॉग जो है उसके थ्रू आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन मिलता है। टैली के अंदर, सॉरी ई कॉमर्स और प्रैक्टिस सेट वाली जो सीरीज की थी उसमें मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर देखो 72, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस की बात की गई, और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। किसने यहाँ पर प्रपोज किया हुआ था? तो भाई अपने जो एडगर एफ डॉग अंकल थे ना, उन्होंने यहाँ पर इसे किया था, और उन्होंने 12 रूल दिए थे, जो गिनने में तो आपके कितने होते, 13 होते, लेकिन हम उन्हें क्या बोलते हैं, 12 रूल्स, यानी कि कॉर्ड्स 12 रूल्स। मैंने बताए हुए हैं, नहीं रीड किए तो रीड कर लो, 12 रूल्स है अपने कॉर्ड्स अंकल के। क्वेश्चन नंबर देखो 73, ओडीएमजी स्टैंड फॉर। भाई ओडीएमजी आपका क्या होता है? तो ओडीएमजी आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप होता है। फुल फॉर्म मैंने आपको याद करा रखी है इसकी, ऑब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट ग्रुप। 74 देखो, अ की विच इज यूनिक ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड। भाई एक ऐसी की जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यानी कि आपकी प्राइमरी की है, वो आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस यूजिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। भाई वायर्ड तरीके से और वायरलेस तरीके से अगर आप किसी टेक्नोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर डिवाइसेस को ऐड करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? भाई प्रोसेस आपका कहलाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के थ्रू आप क्या वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 76 मॉडम का फुल फॉर्म। मॉडम का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो मॉडम का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 76 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, नेटवर्क कनेक्शन रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू कनेक्ट टू ईच अदर। भाई हमारे पास क्या कनेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा क्या कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट्स के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो एक दूसरे से क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस होना चाहिए और पोर्ट्स नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है, 77 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 78 देखिए, ईच कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज जनरली कॉल्ड। मीन्स ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्ट है, अगर कोई डिवाइस हो, डिवाइस या फिर आप बोल सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो भाई वो आपका क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपका क्या कहलाता है। देखिए जब भी अगर कोई चीज हमारे साथ क्या है कि जुड़ी हुई, अगर कोई डिवाइस है या फिर आपका क्या है कि कोई कंप्यूटर है, तो जो भी डिवाइस या कंप्यूटर है वो आपकी बेसिकली नोड होती है। नोड जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। नोड आप बोल सकते हो कि नोड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, फायरवॉल स्कैन। भाई फायरवॉल्स क्या कर सकते हैं आपका, किसके लिए आप यूज करते हैं? तो फायरवॉल्स क्या करते हैं कि जो भी आपके क्या है कि जितने भी आपके बाहर से जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उनको यहाँ पर क्या करता है, सेव करता है, या फिर जितने भी हैं और जो भी स्पेसिफाइड आपकी साइट्स हैं उनको डिनाई करता है कि भाई एक्सेस लेने से क्या कर रहा है कि उसे रोक रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं कि भाई डिनाई एक्सेस टू स्पेसिफिक साइट्स या फिर अलाउ एक्सेस टू ओनली बाइट लिस्टेड साइट, यानी कि जो यहाँ पर क्या है कि सेफ है उन्हें ही सिर्फ क्या करता है कि आपके कंप्यूटर्स में परमिशंस देता है कि आप ही क्या कर सकते हो कि एक्सेस कर सकते हो। तो 79 का सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हेन ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। भाई एक सेंट्रल हब है और उससे क्या है, सारे नोड्स आपके कनेक्टेड है, तो देन इट्स कॉल्ड। भाई ऐसी कौन सी आपकी टोपोलॉजी, देखो टोपोलॉजी आपको दिख रही है कि भाई ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसमें आपका एक सेंट्रल हब होता है, उससे आपकी सारी चीजें कनेक्टेड होती, दैट्स कॉल्ड अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार होती है भाई वो स्टार। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, मॉडम इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग। भाई मॉडम एक डिवाइस है जो क्या करती है, तो याद रखो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में करती है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बोथ
डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द नेटवर्किंग डिवाइस विच रिसीव अ पैकेट एंड रिपीट इट टू जस्ट द इंटेंडेड रिसिपिएंट्स लाइन इज कॉल्ड। एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो पैकेट्स को रिसीव करती है और वापस क्या करती है कि उसको वापस भेज देती है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो आपका आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है आपका। तो हमारे पास वो नेटवर्किंग डिवाइस होती है आपकी स्विच, जो क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स के साथ लाइन से भेजती है आपका। ऐसा नहीं करती कि मल्टी ब्रॉडकास्ट आपका नहीं करती, वो काम आपका हब का होता है। इसलिए आप हम ज्यादातर क्या करते हैं कि आपका स्विच को यहाँ पर यूज करते हैं। 83 देखिए, 83 में क्या पूछे, द नेटवर्क एस्टेब्लिश यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। भाई ब्लूटूथ आपका किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, यानी कि किस नेटवर्क को, आपका लैन को, वैन को, पेन को, या फिर मॉडरेट, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है, नेटवर्क का लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो हमेशा याद रखिए कि आपका जो ब्लूटूथ होता है वो आपका पर्सनल एरिया पर वर्क करता है, यानी कि पेन पे आपका क्या है वर्क करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 84, वेब पेज आर डिजाइन प्रिमली इन। भाई वेब पेज जो है वो कहाँ पर डिजाइन होते हैं, आपका HTML के अंदर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। इसका फुल फॉर्म आप याद करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, द सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेज इज कॉल्ड। भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, वेब पेज को हमें दिखाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है। हमेशा याद रखो, ब्राउजर पे ही तो आप सारी चीजें देख रहे हो, वर्ड के अंदर नहीं देख सकते हो, आपका एक्सेल के अंदर नहीं देख सकते हो, आप यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर नहीं देख सकते हो। तो आंसर आपका क्या है, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, W3C का आपका फुल फॉर्म क्या है। कल भी मैंने बता रखा था आपको कि W3C का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका क्या हो जाता है, कॉन्सोर्टियम्स, यानी कि कॉन्सोर्टियम्स जो है वो आपका यहाँ पर आंसर है, ए वाला ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम्स, ठीक है। 87 के साथ आगे बढ़ते हैं, द पोर्शन ऑफ अ स्क्रिप्ट कोड। भाई एक आपका पोर्शन है स्क्रिप्ट कोड के लिए, कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट के अंदर, एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ ब्राउजर इज कॉल्ड। भाई कहाँ पर आप उस कोड को क्या कर सकते हो, रन करवा सकते हो, सिंपली आपसे यही पूछा गया है। तो हमें पता है कि क्लाइंट साइड पर, कहाँ पर रन करवा सकते हैं हम, अपने ब्राउजर पे या फिर क्लाइंट साइड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लाइंट साइड, यानी कि 87 का आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 88 देखिए, टैग इन HTML क्रिएट्स अ क्लिकेबल हाइपरलिंक। भाई क्लिकेबल हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने उसके लिए मैंने आपको टैग बता रखा था कि आपका टैग क्या होता है कि AHRF, यानी कि A से होके आपका जो एंकर टैग होता है उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि एंकर टैग होता है, और आपका क्या हो गया, हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिए, Zoomla इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS बोल सकते हो आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे है, तो आपका PHP, यानी कि आपका क्या हो जाता है, प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ये आपका क्या हो जाता है कि फुल फॉर्म होता है आपका प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, तो PHP पे बेस्ड है आपका Zoomla। 90 देखिए, यहाँ पर कंपोजर पूछा गया कि भाई कंपोजर आपका क्या है, तो आपकी कोपा वाली बुक में साफ साफ डिफाइन किया गया है कि वेब पेज क्रिएशन और एडिटिंग के लिए हम कंपोजर का यहाँ पर यूज करते हैं, एक तरह का आपका टूल है जो आप वेब डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हो, तो वहां पर वेब पेज क्रिएट और एडिटिंग आप कर सकते हो, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 91 देखेंगे, 10th क्वेश्चन आपके बचते हैं, इन्हें कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पर फटाफट से। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। भाई अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस, आपका कहलाता है क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, द ओवल सिस्टम, कल भी बताया था भाई ओवल सिस्टम, यानी कि आपका क्या है, स्टार्ट एंड एंड के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, ओवल सिस्टम का हम यहाँ पर करते हैं यूज। 93 देखिए, ईमेल मे बी कैरीड आउट यूजिंग मोड्स। कौन कौन से मोड्स आपके हो सकते हैं, भाई फोन के थ्रू तो सभी करते हो, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि वेब के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दीज क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे ईमेल के थ्रू कैसे, तो भाई कुछ आपके एड्स वगैरह आते हैं ना ईमेल पर भी, तो वो क्या है, ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके काफी मेल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, जावास्क्रिप्ट एंड VBS स्क्रिप्ट आर एग्जांपल ऑफ बेस्ड। अभी बताया था आपका ब्राउजर बेस्ड है, तो यहाँ पर ज्यादा देर ना लगाते हुए तुरंत क्वेश्चंस को टिक करेंगे कि आपका ब्राउजर बेस्ड है, यानी कि क्लाइंट साइड है। 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग्स कैन बी डन बाय द जावास्क्रिप्ट।
भाई किस तरह की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, तो भाई गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हो, डेस्कटॉप और मोबाइल एप्स को बनाने के लिए भी, क्लाइंट साइड ब्राउजर के साथ भी आप इसे कर सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 95 का डी। 96 देखिए, आइडेंटिफाई द पैरामीटर लैंग्वेज, भाई कौन सी पैरामीटर लैंग्वेज के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है आपका, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। भाई जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज लिख रहे हो तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में शो तो करोगे ना कि जावास्क्रिप्ट है। भाई कॉलेज जाते हो तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, तो आइडेंटिटी कार्ड क्या, तुम्हारी आइडेंटिटी बताता है कि भाई मैं ही हूँ, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर समझ लो जावास्क्रिप्ट की आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, इवेंट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन अ की माउस डाउन, यानी कि की क्या है माउस डाउन हो रही, तो वो आपका क्या होता है, तो देखो जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है ये, और आप बोल सकते हो ऑन की डाउन, ऑन की डाउन आप यहाँ पर आंसर स्टिक कर सकते हो। 97 का ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 98 देखेंगे, इज द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप टू हैंडल ऑब्जेक्ट, कौन सा ऐसा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट या फिर आप बोल सकते हो कौन सा डेटा टाइप है जो सारे हैंडल्स करता है ऑब्जेक्ट्स को, तो सिंपल है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा, जो नंबर है वो नंबर्स को हैंडल करेगा, बूलियंस आपका क्या करता है कि ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को हैंडल करता है, नल वैल्यू यानी कि आपकी क्या होगी नॉट नल वैल्यू, ठीक है, तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर। 99 देखिए, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, भाई यहाँ पर अगर हमें जावास्क्रिप्ट की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर आप किस फंक्शन का यूज करते हो, तो आपका जो लेंथ फंक्शन है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं किसके लिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करना है आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने लिखा है हाई, तो यहाँ पर अगर मैं लेंथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ, बेसिकली ये स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे हम इसे, तो 1 2 3 यानी कि आपकी लेंथ कितनी होगी 3, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, डिनोट्स द बिट वाइज एंड ऑपरेटर, भाई जावास्क्रिप्ट का ये क्या है बिट वाइज एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो, तो एंड ऑपरेटर यानी कि एम्परसेंड का साइन होता है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ भाई जो MS धोनी है उसने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए 100 क्वेश्चंस, तो आई होप उसकी मेहनत आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो क्वेश्चंस इसी के साथ फिनिश होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चंस में, अगर आपको कोई क्वेश्चंस गलत लग रहा है या फिर मेरा बताया हुआ आंसर्स आपको गलत लग रहा है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताया करिए, ताकि आप अगर कोई चीज मुझे बताएंगे तो एटलीस्ट मैं उसे एक बार और चेक करूंगी, अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, मुझसे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं कि आई एम ऑलवेज राइट नॉट, तो ये सारी चीजें हैं आपकी, आप कमेंट करते रहिए, मोटिवेट मुझे करते रहिए भाई सारी चीजें करवाने के लिए आपके लिए। बाकी फाइनल टेस्ट मैंने आपका 2 भी कंप्लीट करवा दिया है, अब तैयारी आपको करनी है, दिन आपके पास सिर्फ आज भर का ही है, तो सारी चीजें आप जितना हो सके भाई 8 बजे से पहले, भाई अब पढ़ना नहीं कुछ, 5 बजे चाहे बंद कर देना कॉपी किताबें, तो फिर उसके बाद 17 को कुछ भी मत पढ़ना, ऐसा नहीं सेंटर पे जाओ और कॉपी किताबें लेके पहुंचो, नहीं, आराम से टेंशन फ्री होके जाना, ज्यादा टफ पेपर भी नहीं आता, इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अगर लगातार पढ़ाई की है तो। एक दिन पढ़ने से तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आपने लगातार प्रिपरेशन की है तो आप इजीली क्या कर पाओगे, पेपर सॉल्व कर पाओगे। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप शाम तक या कभी मॉर्निंग में भी आप जो भी चीजें हैं पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, कोशिश करूंगी कि जरूर दे पाऊं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस में, अगर क्लास और सेशन, मतलब आप बोल सकते हो सेशन अगर आपको यूजफुल लगा हो, 100 क्वेश्चंस अगर आपको लगे हों कि हाँ पढ़ने लायक थे, कुछ नई चीजें आपने सीखी हों, तो प्लीज बिना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने करा नहीं है तो करके जाइएगा जरूर, बेल आइकन को कर देना हिट, ताकि आगे वाले जितने भी आपके क्लासेस हों, नोटिफिकेशन हो, वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।